Hare
فلم يشهدوا كيتنا قرنا شكنا في دول عاشين سربتوا بمنتم فاشعبي قاندوا مريكشن سمنتا بيتكان لك جودي مكرمين وما كرم وَمَاسْيَ مِشْوَاسْيَ بَرَمْ لِلْعَالَمْ وَمَاسْيَ يَشَاشْ وَفَدَرْ بَدُوْتَ سَنَاكَ نَسْوَمْ قُرْهُ مَتُوْمِي أَنَا بِمَدْحَانْ جَمَنَنْ شفي سوريا ليتنا أشعامي بامديك هدى شبطن سوبي لزاوي سوبي لن أغنطن جاوك بديو جيب من كرمي بيابتن ويكي نبي شسك سروا إشتاك بوطنبوك ومبيان كبيرا نوكت كيانك جريكم مراتما عميق وانسور شمراء زنبي شجانك
जी का पाठ 11वां अध्याय प्रारंभ से श्लोक संख्या 11 तक। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। मदनोग्रहाय परमं गोह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वसस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमभिचाव्ययम् एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रेष्टुमेच्छामि ते रूप मैश्वरं पुरुषोत्तम मान्यसे यदि तत्सक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो
योगेश्वर ततोमेकं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्री भगवान उवाच, पश्य मे पार्थरूपाणि सहसोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादेत्यान्वसुन्दोद्रानश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरौ मम देहे गुडाकेश यत्सान्यद्रष्टुमेच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टु मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम्। संजय उवाच, एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्। अनेकवक्षनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देव मनन्तं विश्वतो मुखम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देव मनन्तं विश्वतो मुखम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भीनासर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर विक्रम संवत 2050 फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी 26 मार्च 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम आनंद स्वरूप है। सत नाम होनापन है, चित नाम ज्ञान है, आनंद नाम बिल्कुल निर्विकार शांत आनंद घन है। उस तत्व की प्राप्ति के लिए सत्ता मात्र का ध्यान है वो बड़ा सुगम है। सन मात्रम सुगमम निर्णाम है परमात्मा, ऐसे ही परमात्मा चेतन ज्ञान स्वरूप है। तो है पना है वो सब वस्तुओं में दिखता है। ये मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, काठ है, लोहा है, चूना है, ईंट है, जड़ है, चेतन है, है 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 लगता है सब है। ये है पना परमात्मा का स्वरूप है। और जो मनुष्य पशु पक्षी ईंट चूना पत्थर आते है ये संसार है। तो सब संसार में परमात्मा सत स्वरूप से परिपूर्ण व्याप्त है। वो सतरूप रहेगा। जैसे कई तरह की चीजें हैं उनको जला देने के बाद मिट्टी रहेगी, ऐसे मिट्टी का विवाह होगा, फिर ऐसे क्रम से रहते रहते अंत तो परमात्मा रहेंगे। अभी किस चीज को कहा जाए, पहले रूई है कि फिर सूत है कि फिर ये कपड़ा है, ऐसे है 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 एक रहता है। तो इसमें है के ऊपर दृष्टि है, ये चेतन के ऊपर है, और चीजों पर है ये संसार पर है। इसकी प्राप्ति के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए सत्य भाषण बड़ी काम की चीज है। वाणी में भी सत्य हो, शरीर में भी सत्य हो, मन में भी सत्य हो, हमारी दृष्टि में भी सत्य हो, पांचों इंद्रियों के विषय में सत्य हो, तो वाणी का सत्य है ये बड़ा दामी चीज है। सत्य भाषण करने से बहुत लाभ होता है, निश्चिंत हो जाता है, फिक्र रहित हो जाता है, शांति हो जाती है। सत्य बोले, सत्य बोलना किसको कहते हैं, जैसा देखा जैसा सुना जैसा समझा वैसा का वैसा, ना उसमें कम ना ज्यादा, जिससे किसी को उद्वेग न हो, ऐसे सरल भाषा में कह देने का सत्य नाम है, इसको सत्य कहते हैं। तो कोई छिपाव न हो, सड़ न हो, बनावटी बना उसमें न हो, इस तरह से सत्य बोला जाए तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। सत्य की शरण से मुक्ति, ऐसा शीर्षक एक लेख है, सत्य की शरण से मुक्ति। बहुत अच्छा लेख, बहुत सुंदर लेख है वो। तत्व चिन्ह नाम ये दूसरे भाग में आया है, अलग भी मिलता है। सत्य की शरण से मुक्ति यही नाम है उसका, सत्य की शरण से मुक्ति। 8 बातें उसमें बताई है अलग अलग। सत्य भाषण करने वालों को क्या चाहिए, कैसा करना चाहिए, जिसे वो सत्य भाषण कर सके, ऐसा बताया है नहीं। तो बहुत लाभ होता है उससे। मनुष्य लेकर सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम अप्रियम प्रियम सनातन ब्रुयात ऐसा धर्म सनातन। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्यारे बोलो,
परंतु सत्य कटु न हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं करना चाहिए। जो सुबह किसी के ऐसा ना कर, अरे प्रिय से ना नहीं दे, प्यारा बोले परंतु झूठ हो तो वह सब प्यारा कर नहीं, झूठ है ना बोले। ऐसा धर्म सनातन गीता में शरीर वाणी और मन की तपस्या का वर्णन आया है 17वें अध्याय में। तो उस वाणी के तप में बात बताई है कैसे लोग अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम् तु पूज्यते। ये वाणी का तप है। तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम, वाक्य ऐसा कहा जाए जो अनुद्वेग कर हो, किसी को उद्वेग करने वाला ना हो, किसी को चुभे ऐसा ताना मारना है, कड़वा बोलना है, गाली देना है, तिरस्कार का वचन कहना है, अपमान का वचन करना, ऐसा नहीं हो, उद्वेग पैदा करने वाला ना हो। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम, और सत्य हो, जैसा देखा सुना समझा पढ़ा माना वैसा का वैसा, प्रिय शब्दों में कह देना अगर सत्य है तो सत्य होना चाहिए। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय, और प्रिय होना चाहिए, और हितन चाहिए तो हितकारी होना चाहिए। और स्वाध्याय विश्रम, स्वाध्याय अभ्यसनम, स्वाध्याय में दोनों लिए जाए, शास्त्रों का पढ़ना नाम का जप करना, स्वाध्याय है। असली स्वाध्याय है स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय, अपना अध्ययन करना, मेरी क्या स्थिति हो रही है, किस तरह से मैं चल रहा हूं। ये वाङ्मयम तप है, वाणी का तप है ये। इसमें है अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितं च, प्रिय शब्द आया गाड़ी, तो प्रिय शब्द कहने में अनुद्वेग कर्म तो पेट में आ जाता है, प्रिय शब्द कहा जाए तो उद्वेग कर कैसे होगा, और उद्वेग कर होगा तो प्रिय नहीं होगा। पर प्रिय का ऐसा चीज है कि जिसमें अनुद्वेग कर पेट में आ जाता, प्यारा कर तो उद्वेग क्यों पैदा होगा, उद्वेग हुआ ही नहीं। फिर भगवान अलग क्यों कहा है, अनुद्वेग कर्म अलग का, प्रिय अलग का। इसका तात्पर्य ये है कि अनुद्वेग उद्वेग पैदा करने वाला वचन न हो। तो उद्वेग किसको, जो सुनता है उसको तो प्रिय लगा है, परंतु तो किसी की चुगली करी है, किसी की निंदा करी है, तो वो सुखा तो उसको उद्वेग पैदा हो जाएगा। तो सुनने वाले को तो प्रिय है, परंतु तो सबको प्रिय नहीं है। वो द्वेष रखता है किसी से, उसके द्वेषी की बात कही जाए तो वो तो प्रिय तो होगी कि ठीक अच्छी कही उसकी बात, तो प्रिय तो हो जाएगी, परंतु तो वो अगर सुनेगा तो उद्वेग कर हो जाएगी चीज को। इस वास्ते किसी के लिए भी उद्वेग कर रहो और सत्य हो और प्यारी हो ऐसी बात कहे। इस वास्ते सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मनु जी कहते सत्य बोलो और प्यारे बोलो। तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितं च यत्। इसमें देखा जाए तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम और प्रिय हितं बताया, तो ये तो सबसे है भजन दास ही है, हितकारक बातें है वो कहनी चाहिए। उसमें थोड़ी बहुत कटुता भी आ जाए इतना दोष नहीं है, हित जिससे हो। क्योंकि रामायण में आया है पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई। तो पर हित सर्ष बताया, गीता ने कहा कि ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। राम जी भी अंगद से कहते हैं काज हमारता सु हित होई, ऐसी रावण से बात करना उसका हित हो। तो हित की बात तो कही है, कड़वा बोला है,
अंग भी बोला बड़ा कड़वा है वहां जाकर भी, परंतु मान कर विचार कर तो हित की बात तो है उसके, वो ठीक रहेगा। तो भगवान कहते हैं विकास हुई तो हुई, भगवान कह रहे का तात्पर्य आज हमारा काम तो हमारा बने सीता मिल जाए, पर हित उसका होना चाहिए। काम बनना हित करना, इसमें हित जितनी दामी चीज इतना काम दामी चीज नहीं है, तो उसका हित हो। ऐसे हित जिनके भीतर भरा रहता है तो उसमें वाणी का कुछ दोष आ भी जाए तो वो दोष इतना दोषी नहीं है। दोषी तो दोष ही है छोटा थोड़ा कोई भी, परंतु हित बना हुआ है। जैसे बालक को कोई धमका कर बात कह जाए, विद्यार्थी को धमका कर कह दिया जाए तो कड़वी तो होती है बड़ी हितकर होती है। हितकर होने से बालक को बुरा नहीं लगती वो चीज, स्वभाव से बुरी लगती है। भगत पर उसके थोड़े थप्पड़ भी मारा है तो बालक के बालक इतना तो भी नहीं होगा, आंसू आ जाएंगे, रोने लग जाएगा, परंतु भीतर में उसके उत्पाद उद्वेग नहीं होगा। जैसे छोरा छोरा आपस में लड़े और वो मार दे तो बड़ी जोर से चिल्लाता है, माँ से शिकायत करता है मेरे मार दिया, उनसे ज्यादा भी अध्यापक अगर मार देता है तो आंसू तो आ जाता है, शिकायत नहीं करता। वो ये समझता है कि ये मेरा हित है, तो हित में वो चोट भी सुगम हो जाती है, अच्छी हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो हित की बात है, ये बहुत ही दामी है, श्रेष्ठ है, सबका हित हो। तो हित में पर हित सरिष, पर हित बस जिनके मन में तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है उसके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है। तो सर्व हितकारी वचन कहना चाहिए, जहां तक वचन बोले सत्य बोले और हितकर वचन बोले, उसका हित हो। सबका हित कैसे हो, तो हितकर वचन के लिए भगवान ने कहा पर हित वश जिनके मन माहे, जिसके मन में दूसरे का हित निवास करता है, दूसरों का हित ही करने का जिसका विचार रहता है, उनके लिए लोक परलोक कोई विचार दुर्लभ नहीं होता है। हित की चीज बहुत दामी चीज है ये। गोस्वामी जी भी पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दोनों एक बात नहीं कही, उधर पीड़ा कही उधर हित कहा, दो अलग अलग। गोस्वामी की वाणी बड़ी विचित्र है, ऐसे गीता जी की वाणी हमें दोनों ग्रंथों की वाणी बहुत विचित्र मार्ग देती है। तो पर पीड़ा है ना, दुख देना है, ये ठीक नहीं है, पर आराम देना नहीं बताया इतना है। तो हित घर में पर हित सरिष धर्म, धर्म में पर हित बताया और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, दूसरे को पीड़ा देना है अधमता नहीं है, नीचपना नहीं है। तो किसी को भी चुभने का चुभने वाला ना हो, इस बात अनुप में कर्म क्यों ये भाया गई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, किसी उद्वेग पैदा कर रहे ये अधमता है। तो ऐसा ख्याल रखना चाहिए किसी से बात करे तो किसी के भी चुभने वाली ना हो, परंपरा से भी चुभने वाली ना हो, ऐसी बात करनी चाहिए। तो ऐसी बात एक बात याद है, ये बातें सब दोष कब आते हैं, अपने में अभिमान होने से दोष आते हैं। अभिमान है ना, अहंकार, मैं ठीक हूँ, मैं जानता हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं जानकार हूँ, ये जो अभिमान होता है ना, अभिमान की छाया में सब दोष रहते हैं। शास्त्र में आता है जैसे बहेड़े की छाया में कलयुग रहता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। अरे बहेड़ा आंवला है ना, तो विभीतिका कहते हैं उसको, बहेड़ा को विभीतिका संस्कृत में, तो उसकी छाया में कलयुग रहता है। ये कथा आती है नल की, महाराजा नल है, उसी कथा में ये विषय आया है। नल है वो छिपकर कह रहा है, तो छिपकर कहा
अयोध्या के ऋतु पर राजा थे। लंबी कथा है, आपने सुनी होगा। ऋतुपर्ण राजा के यहाँ पर नौकरी करी है उसने, तो वो जंगल में अपनी स्त्री थी दमयंती, उसको छोड़कर चला गया। दमयंती बहुत सुंदर, बहुत कोमल ऐसी शरीर की थी दमयंती। देवता भी चाहते थे, इतनी सुंदर थी दमयंती। देवता इंद्र और वरुण और अग्नि ये उनको प्रण करने के लिए आए थे। यम, ये चार देवता आए थे कि हमारे गुरु स्वीकार कर ले, ऐसी कथा है। सब कहते लंबी हो जाएगी। तो पुष्कल था उसका भाई, उसने जुआ खेला था, जुए खेलने में हरा दिया और सब राज्य ले लिया नागा, और उनको निकाल दिए। नाग और दमयंती दोनों को निकाल दिया कि मेरे राज्य में अंजल मत लेना, निकल जाना यहाँ से। तो बगैर एक एक कपड़ा, एक कपड़ा नल के, एक कपड़ा दमयंती के पहनने के लिए, ऐसा बड़ा कठोर काम किया था उसने। तो वो चले गए थे। फिर अगाड़ी चार हंस देखे तो उनको पकड़ने के लिए नल ने अपना कपड़ा फेंका, तो कपड़ा देख रुड़ गए, तो नल नग्न हो गया। दमयंती का आधा कपड़ा पहनना, आधा कपड़ा तो नल पहनते, आधा कपड़ा दमयंती पहनती, एक कपड़े में दोनों रहे। ऐसे आफत में चले गए थे। जंगल में एक धर्मशाला मिली, उसमें भी दोनों सोए थे। नल के बहुत चिंता थी, दमयंती कैसे मेरे साथ रहेगी ऐसे विपत्ति काल में। उसे कुंडन पर का गांव रास्ता है बता दिया। तो मेरे को रास्ता क्यों बताते हो? तो तुम चले जाओ आराम से, बाप के घर पर रहोगी तो बड़ी उदास होगी, मेरा आप त्याग क्यों करते हैं? आप दुख सहोगे, मैं भी सह लूंगी, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपके साथ ही रहूंगी। मैं देवताओं को छोड़ करके भर लिया था इसको। तो रात्रि में धर्मशाला में सोए हुए थे, तो नल के बहुत चिंता रही, जग गया, नींद नहीं आती कि कैसे निभेगी। तो वहां देखा तो एक तलवार पड़ी थी, उसे को चीर काट दिया, आधा तो उसके शरीर पर रख दिया, आधा अपने ले लिया। ये फाड़ेंगे तो सर शब्द होगा तो जग जाएगी ये, तो कपड़ा दे फिर चला गया घर। तो बड़ी विपत्ति भोगी, बहुत आफत भोगी है। उसमें करकोट एक नाग था, तो वो पड़ा था, तो उसकी लग गई अग्नि चारों तरफ। तो उस करकोट ने कहा कि देखो नल, तुम हमारे को लेकर चलो तो छुड़ा दो, नहीं तो मैं जल जाऊंगा, मेरे को नल जी का साप है, मैं चल नहीं सकता, स्वास्थ्य पड़ा हूँ, मेरे को तुम जैसा अग्नि ने हो मालिक रख दो। अच्छी बात, नंदी उठा लिया। तो कहा तुम क्यों, तुम्हारा कर्जा उतारने के लिए मैं भी कुछ करूँ, कितने कदम तुम चाहते हो? तो उसने एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, दस कहते दस किया हूँ। तो दस दस धातु है, दस तो दस था, दस तम दस था, दस दशा नहीं दशा व दशा मा, तो दस ये मध्य पुरुष एक पुरुष में होता है। दस तो दस था, दस था दस तो दस दस था, दस तम दस था, दशा नहीं दशा व दशा मा, तो दस कहते ही वो दस गया। अरे दस गया तू, तेने कहा दस, तुम दस दिया मेरे को, तेने बात कह दी, गिनती की बात कही तो बंडस कहते मेरी बात रख दिया। कहा कि ये तेरे लिए हित की बात है, अब तुम्हारे हो ये कपड़ा लेने जैसी बात आई, तो वो दसने का जो जहर है तेरे में कलयुग प्रवेश होकर तेरे को कलयुग नशीश कर ली, कि देवताओं छोड़ करके ये दमयंती नल को भर दी, तो खबर लूंगा इसी दुष्ट दशा है।
तो वो भीतर प्रवेश हो गया। जुआ कैलाश बाहर हुई सभी तो भीतर में कलयुग प्रवेश रहा। उसमें बड़ी विचित्र बात आती है, क्या बताऊ, लंबी कथा है, पन पर्व की कथा है। तो वो कलयुग में निगाह रखता रहे कब प्रवेश हूँ, वो यशोध्या प्रवेश हूँ। एक दिन लघु शंका करके हाथ तो धो ले, कुछ पैर धोया नहीं, पैर धोया नहीं, प्रवेश हो गया भीतर में कलयुग। कई दिनों के बाद में मौका लगा तो वो भीतर था, तो कर्कोटक ने कहा कि ये जहर तेरे को कुछ नहीं करेगा, उस कलयुग को जलाता रहे, कलयुग को इस बात से डसाया मैंने, वो कलयुग है जो जलता रहेगा जहर से। नल का शरीर बदल गया, छोटे छोटे हाथ हो गए, काला काला शरीर हो गया, ये तेरे विश्वास दिया है कि तू छिप सकेगा, नहीं तो छिपेगा नहीं कहीं, सुंदर बहुत थे भी। तो विश्वास दशा हूं मैं ऐसे। फिर वो गया अयोध्या राजा के यहाँ, भर रहा घोड़ों के ऊपर। तो ऐसे उनकी खोज में जब वो जा रहा था, हम दमयंती के यहाँ क्या देश विद्या बहुत जानता था, नल नल में कई विद्याएं थी, बहुत विलक्षण विलक्षण विद्याएं। तो वो चलता था तो उसने चलते हुए बहरे के वृक्ष के फलों को गिन लिया राजा ऋतुपर्ण ने। उसको गणित विद्या बहुत बढ़िया याद थी कि इतने तो पेड़ के वृक्ष है, इतने पत्ते हैं, इतने फल है इस पेड़ के। तो उसने साम दिया, मैं गुरु खा गए कितने ठीक निकले। तो बड़ा ऐसे बड़ी इतनी तेजी से चलते हुए गिन लिया, तो उसने गिन लिया। तो उस समय में वो कलयुग निकला है, वो कलयुग निकल बहरे में चला गया। इस बात बहरे में कलयुग रहता है, तो कलयुग की छाया में रहने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ऐसा देखा था है। तो अहंकार रूपी कलयुग बताया, अहम अहम की छाया में सब दोष रहते हैं। संस्कृति मूल शूल प्रदाना सकल शोक दायक अभिमाना। गोस्वामी जी का सकल शोक सदा शोक देने वाला है ये। संस्कृति मूल जन्म का मूल है, संस्कृति मूल शूल पर नाना शूल पर ये। तो जैसे बहरे की छाया में पाप दोष रहते कलयुग रहता है, ऐसे अहंकार की छाया में ये दोष रहते हैं, इतने दोष है ये। तो अभिमान का त्याग करना चाहिए, समय हो गया। तो सत्य के स्थान से मुक्ति आप पुस्तक ले लो, उसमें देखो तो आपको पता लगेगा। और फिर विचार कर अपने आचरण में लाओ, निगाह करो भी कहाँ कहाँ हमारे दोष आते हैं, सत्यपारायण में कहाँ बाधा आती है, उसका ज्ञान होगा। नारायण 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 नारायण। अच्छा इसमें क्या रह गया है, भक्तों की आंखों में हमेशा आंसू क्यों भरे रहते हैं? भक्तों की आंखों में हमेशा आंसू क्यों भरे रहते हैं? अच्छा भक्त देखा आपने कोई आंसू प्रेम के भरे रहते, भक्तों के प्रेम होता है भगवान में, विश्वास रहते। नारायण नारायण नारायण। इतनम कलिनाशनम, कर्कोटक नल ऋतुपर्ण राजा दमयंती इनका कीर्तन करे तो कलयुग प्रवेश नहीं होता उसमें। कलयुग बहुत वर्षों तक दुख पाता रहते हैं, तो नल का नाम लेने भी नहीं आता।